हम सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद बिलाल इस वक्त लगातार बने हुए हैं, जरा जानते हैं बिलाल से इस वक्त का अपडेट क्या है। बिलाल जी, देखिए रुमाना, अभी जो है वो नोएडा पुलिस की तरफ से जो है कोई भी बयान इस मामले पे श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी को लेकर के या फिर जो जिस तरीके की कल की घटना सामने आई थी उस पर उन्होंने नोएडा पुलिस ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि सेंट्रल नोएडा की जो एडिशनल DCP हैं अंकिता शर्मा, वो मीडिया के सवालों से जो है वो बच करके जो है अब वो सोसाइटी के गेट से जो है वो निकल रही हैं। हमने लगातार उनसे सवाल पूछे, जवाब जानने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने जो है वो चुप्पी साध ली है। तो कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस को भी जो लैप्सेस हुए हैं सिक्योरिटी में इस सोसाइटी के, वो लैप्सेस जो है वो उनको समझ में आ रहे हैं, क्योंकि कल जब हम इस सोसाइटी में सुबह से लेकर के शाम तक थे तब नोएडा पुलिस का एक भी कांस्टेबल जो है वो श्रीकांत त्यागी के घर के बाहर या सोसाइटी के बाहर नहीं था। जबकि उससे एक दिन पहले जब गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा आए थे, उसी वक्त सोसाइटी के निवासियों ने महेश शर्मा से साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करी थी कि उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर के खतरा है। लेकिन उसके और 48 घंटे का उन्होंने मोहलत दी थी महेश शर्मा ने, और खुद बोला था कि वो यहाँ पर आंदोलन करेंगे, BJP जो है आंदोलन करेगी। तो वो 48 घंटे आज से अभी से 2-3 घंटे बाद वो 48 घंटे की अवधि जो है वो पूरी होने वाली है। तो पहला सवाल महेश शर्मा से ये भी बनता है तो कि उन्होंने जो वादा किया था तो क्या वो आंदोलन करके वो वादा निभाएंगे। दूसरी जवाबदेही जो है वो नोएडा पुलिस की तरफ से बनती है कि आखिर जब एक विवाद हो चुका है शुक्रवार की शाम में, जब एक विवाद हो चुका है तो उसके बाद घर के बाहर या सोसाइटी के बाहर आपने पुलिस फोर्स जो है वो क्यों नहीं बिठा रखी थी? कैसे जो है 10 से 15 गुंडे जो है वो आराम से आते हैं, सिक्योरिटी जो चेक होता है वो पार करते हैं और आके अंदर आ करके जो है वो लोगों को डराते धमकाते हैं। कल शाम की मैं बात बताऊंगा कि जिन सूत्रों से मुझे पता चला कि एक अपडेट दे दीजिए बिलाल, क्या बुलडोजर का एक्शन फिलहाल खत्म हो चुका है? जी, अभी फिलहाल जो है वो बुलडोजर का जो एक्शन है वो थम चुका है, ये नहीं कह सकते कि खत्म हो चुका है, क्योंकि जो नोएडा के अथॉरिटी के जो आला अधिकारी हैं वो ये अभी बताने से गुरेज कर रहे हैं कि आगे की कार्रवाई अभी क्या होगी। लेकिन जो दो बुलडोजर जो है वो अभी सोसाइटी में खड़े हुए दिख रहे हैं, तो ज्यादा कार्रवाई जो है वो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो ज्यादातर कार्रवाई जो है वो पूरी हो चुकी है। अब अगर कोई कार्रवाई जो है वो सोसाइटी के, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास, सीधे जरा अजातिका के पास चलते हैं, अजातिका रेजिडेंस के साथ मौजूद है। अजातिका जी, रुमाना रेजिडेंट्स की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, उनकी बात भी पहुंचाएंगे, लेकिन एक बार देख लीजिए श्रीकांत के घर के बाहर की तस्वीरें। इस वक्त हम आपको अपडेट दे दें कि देखिए आपको यहां पर अब बुलडोजर नजर नहीं आएगा, बुलडोजर की कार्यवाही कहीं ना कहीं पूरी हो गई है, बुलडोजर वापस लौट चुका है, लेकिन जो प्राधिकरण के कई सारे और मजदूर हैं वो अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं, मौजूद हैं। तो देखिए कौन सा हिस्सा तोड़ा गया है ये भी आपको एक बार तस्वीरों के जरिए समझा देते हैं। ये पड़ोस का घर देखेंगे और इनकी बाउंड्री लाइन देखेंगे, तो इस बाउंड्री लाइन को जो कि निर्धारित जगह है वहाँ तक इस एरिया को तोड़ दिया गया है और वहाँ तक इसे नियमित कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। इससे बाहर जो करीबन 2 फीट का एरिया बढ़ा हुआ था उस पूरे एरिया को तोड़ दिया गया है, जिसमें उनकी छत जो है वो भी शामिल थी और वो सारी छत फिलहाल ढह गई है। अब हम निवासियों से बात करते हैं रोमाना, जैसे कि आपने कहा कि उनकी बात भी पहुंचाना ज़रूरी है, जो लगातार इस मामले में स्वागत करते हुए नज़र आ रहे थे। सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ उसको लेकर भी लगातार सवाल उठते हुए नज़र आ रहे थे। मैडम, जिस तरीके से उन्होंने महिला से बात करी, आप भी महिला हैं, इसी सोसाइटी में रहती हैं, क्या कभी आपका इंटरेक्शन हुआ है श्रीकांत से और क्या उनका बर्ताव ऐसा ही है? नहीं, मेरा तो कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, पर हमने किससे बहुत सुना है जो लोगों के साथ बदतमीजी हुई है, मतलब काफ़ी अलग अलग लेवल पे बहुत बार केसेस भी उनके ऊपर हुए हैं। एक बार किसी बच्चे हमारी बिल्डिंग में एक बच्चे की साइकिल में आग लगा दी थी, उसके बाद श्रीकांत ने नहीं, अब मुझे ये नहीं पता कि उनके ही किसी फैमिली मेम्बर ने या जो भी हुआ था, बट इस तरह के ये इंक्रोचमेंट और यहाँ पे बैठ के पार्टी होना ये सब चीज़ें तो हम लोग देखते ही थे, और ये जितना सुनने में आता है वो यही है कि सब लोगों को हर बात पे बहुत धमकी दे देते थे। हाँ, तो किसी के कंट्रोल से बाहर थे, वैसा ही था। आप लोग आपत्ति जताते थे तो क्या कहा जाता था? हम
मतलब पर्सनली मेरा कभी कोई इंटरेक्शन या कुछ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जितना मैंने सुना और भी लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए निवासी यहाँ पर अब भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी भी हैं, एडिशनल डीसीपी अंकिता शर्मा फिलहाल कुछ बोलने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन निवासियों की बात हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने महिला के साथ बर्ताव किया, उस पूरे सोशल मीडिया पर वो वायरल हुआ, जिसके बाद ये कार्रवाई हमें होती हुई दिखाई दे रही है, क्या बर्ताव उनका ऐसा ही है और क्या कभी आपने उन्हें फेस किया? नहीं, मेरी उनसे कभी पर्सनली बात नहीं हुई, बट लेकिन जो कार्रवाई हुई है उसका आप स्वागत करते हैं? जो ये एक्शन हुआ है ये बहुत ही अच्छा हुआ है और मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक्शन लिया है और स्विफ्टली लिया है जी। और ऐसे लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए और वुमेन प्रायोरिटी है, सेफ्टी है, इम्पोर्टेंस है। अब सेफ महसूस कर रहे हैं क्योंकि सुरक्षा बिल्कुल हम लौटेंगे आपके पास। तो कुल मिलाकर रेजिडेंट्स बेहद खुश हैं, राहत की सांस ले रहे हैं क्योंकि अवैध कब्जा श्रीकांत त्यागी का जो उमैक सोसाइटी में था उसको हटा दिया गया है, पर सवाल अभी भी बरकरार है, गिरफ्तार कब होगा ये गैंगस्टर त्यागी? ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।